गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम कॉम सेमिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एच आर एम यू कैन सी दैट आई हैव बोथ द बुक्स बोथ द मीडियम बुक्स इंग्लिश एंड गुजराती इसका मतलब यह है कि मैं आज आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एच आर एम में फर्स्ट टू यूनिट्स पहले दो यूनिट और उसके बाद दो यूनिट सो आई विल मैं ये वीडियो दो पार्ट, पार्ट में बनाऊंगी फर्स्ट पार्ट अबाउट फर्स्ट टू यूनिट पहले दो यूनिट के मोस्ट टाइम भी विथ एक्सप्लेनेशन और यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन वो भी बताऊंगी और सेकेंड पार्ट में लास्ट के तो, दो दो यूनिट और सेम वे कौन, कौन से question, कौन, कौन से क्वेश्चन को कौन से कौन से ईयर में पूछे गए हैं विथ लिटल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन बिकॉज यू हैव अ वेरी लेंथी सिलेबस एच आर एम इज हैविंग ए वेरी लेंथी सिलेबस और उस हिसाब से अगर हम देखें तो डिटेल एक्सप्लेनेशन इज नियरलली इम्पॉसिबल तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी इंग्लिश और गुजराती दोनों में क्वेश्चन पढ़ूंगी और एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगी ताकि दोनों स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स आती है कि हमें दोनों ही लैंग्वेज की वीडियोस चाहिए <coughs> तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे वीडियोज़ अलग अलग बनाना सो आई विल मेक वन वीडियो एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन बुद्ध लैंग्वेज दूसरी चीज़ हम हाल फिलहाल यही मान के चलते हैं कि हमारा फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है नाइन्टी नाइन परसेंट आपका फिफ्टी मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर हो ऐसा मुझे लग रहा है बट लेट्स सी वॉट विल बी द सिचुएशन इज बट अगर हम फिफ्टी मार्क्स से भी चले या हर सेवेंटी मार्क्स से भी चले हमें दो यूनिट तो करने ही करने हैं राइट right? तो उस हिसाब से हम पहले दो यूनिट्स को लेते हैं उसके आई एम पी मोस्ट आई एम पी देन सेकेंड पार्ट में दो यूनिट उसके मोस्ट आई एम पी कौन से ईयर में पूछे हैं एंड माई सजेशन कि आपको कौन से दो यूनिट करने चाहिए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट इन बोथ द लैंग्वेजेस मानव संसाधन संचालन इन गुजराती मीडियम एंड इन इंग्लिश मीडियम इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो मैंने कहा जैसे ही मैं थोड़ा लिमिटेड एक्सप्लेनेशन दूंगी अदरवाइज मेरे वीडियो फोर्टी फोर्टी फिफ्टी मिनट्स के बन सकते हैं लेट स्टार्ट द फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा से कहती हूँ हर एक सेमेस्टर के बच्चों को कहती हूँ कि वेन एवर यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप शुरू करें सबसे पहला उस, उसका मेन मीनिंग लर्न करे रट्टा मारे डेफिनेशन करे दो मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में डेफिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स में और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लिखते हैं तो आपकी अच्छी खासी इंप्रेशन पड़ती है एंड रिमेम्बर स्टूडेंट्स यू आर एम कॉम स्टूडेंट्स एंड द लास्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स नेवर एवर इमेजिन के आपके पेपर भी वैसे ही चेक कर दिए जाएंगे जैसे पहले से बी में या फिर आगे के स्टैंडर्ड्स में चेक हुए हैं Here, uh, आपके पेपर्स एक्सपीरियंस टीचर्स से चेक होंगे सो बी केयरफुल चलो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग जो आपको पहले ही पेज में मिल जाएगा यस, दिस इज द डेफिनेशन मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई भी एक डेफिनेशन आप उठा लीजिए और उसे कर लीजिए नेवर द लेस किसकी डेफिनेशन है आपको वो कर देनी है इन गुजराती मीडियम मानव संसाधन संचालन और पी सुब्बाराव हमारे घर के ऑथर हैं आई मीन इंडियन है सो यू कैन इजीली लर्न देर हिज डेफिनेशन अच्छी बात ये है कि सुब्बाराव यहाँ पर दिख रहे हैं यस हियर इट इज एंड हियर इट इज ओके मैंने ब्लैक पेन से टिक किया हुआ है इंग्लिश मीडियम में सबसे नीचे है हियर और गुजराती मीडियम में यहाँ पे है सो अकॉर्डिंग टू पी सुब्बा राव जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका मतलब ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखें उनको डेवलप करें रिसोर्सेज डेवलप करें काम उनका जो है मैनेजमेंट अच्छे से करें uh, उसको कैसे यूज़ करना है उसको कैसे मेंटेन करना है और उसको किस तरह से रेगुलेशन देना है एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज योर ह्यूमन्स so if i want to explain you human resource management in one sentence how to manage your human resources is called human resource management according to latest or modern uh, management human resources are the most valuable resources okay so this is your first question what is the meaning of human resource management then the second one is objectives okay objectives of hrm will abko milega page number 5 pe. here it is objectives of hrm इन गुजराती मीडियम इट इज कॉल्ड मानव संसाधन संचालन न उद्देश्य दैट इज ऑन पेज नंबर फाइव सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये टू थाउजेंड ट्वेंटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्वेंटी और ट्वेंटी वन के हाल फिलहाल में बोलती जाऊँगी कि पूछा हुआ है फिर मैं लास्ट में आपकी एग्जाम नजदीक हुई तब एक और वीडियो डाल दूंगी जिसमें मैं आपको मोस्ट आई एम पी जिसे कहते हैं जो बहुत बार पूछे हो वैसे पर अभी मैं जो बोल रही हूँ उसे लर्न करना शुरू कर दो टाइम लगता है ओके सो ऑब्जेक्टिव्स ट्वेंटी में पूछा हुआ है एचआरएम के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट सेट कर उसे अचीव करना ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन रखना ऑब्जेक्टिव्स को कोऑर्डिनेट करना एक ही ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है शॉर्ट 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 टर्म ऑब्जेक्टिव कंसिडर्ड एट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो ये जो शॉर्ट 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 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ए वन बाय वन अचीव करना सो देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स देन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आप फैसिलिटीज़ देते हैं अपने एम्प्लॉज को अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ आराम से काम कर पाए अगर आप वही देते हैं तो देर आर सो मेनी पीपल्स हु ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इन देयर लाइफ तो वो ये सोचते हैं कि भाई यहां पर मेरा बोलते हैं फ्यूचर स्कोप

ह्यूमन नीड्स और सेटिस्फेक्शन को एनालाइज करना मैन पावर को डेवलप करना देन आप मैनेजमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेशन करवाते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को वो भी एक ऑब्जेक्टिव है तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं, दिए हैं कुछ बारह कितने मार्क्स का क्वेश्चन है अगर आपका टेन मार्क्स का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ एचआर एम तो यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एच आई एम आपको मीनिंग लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच आर एम एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव मिनिमम दस लिखने पड़ेंगे अगर दस मार्क्स के हैं तो क्योंकि छोटे छोटे हैं है ना सो मानव संसाधन संचालन ना उद्देश्य हो देट इज योस्ट हाइपी क्वेश्चन आस्क इन ट्वेंटी ट्वेंटी चलिए नेक्स्ट वाला आता है फंक्शंस और स्कोप ऑफ एच आर एम ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस एंड स्कोप जो नहीं पूछा ट्वेंटी में भी और ट्वेंटी वन में भी पर आप उसे एक बार पढ़ जरूर ले लें फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ एच आर एम अगर आपको काम पूछे तो भी आप यही लिखेंगे और स्कोप पूछे तो भी आप यही लिखेंगे uh, गुजराती में मानव संसाधन संचालन नु कार्य क्षेत्र ये वाला ठीक है पेज नंबर सेवन पे चलिए आगे बढ़ते हैं कार्य समझाने उसके उसको उसको कार्य समझाने हैं अब मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगी अदरवाइज एक ही यूनिट खत्म होगा दैन यू हैव इंपॉर्टेंस ऑफ एच आर एम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस या फिर महत्व एच आर एम नहत्व दैट इज ऑन पेज नंबर ट्वेल्व इन गुजराती मानव संसाधन संचालन नु महत्व uh, और इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एम दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन ट्वेंटी वन ये दो हजार इक्कीस के बीस और, और ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन दोनों में जनरल ऑप्शन ही था फिफ्टी मार्क्स का पेपर ट्वेंटी वन में इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एम पूछा है अभी भी आप कर दीजिए इसे अच्छा खासा क्वेश्चन है चलिए फिर आगे आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एच आर एम इन, इन स्ट्रेटेजिक एच आर एम ये भी एक क्वेश्चन है जिसे आपको एक बार तो लर्न करना ही चाहिए आ, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन ट्वेंटी दो हजार बीस में ये पूछा गया है इन गुजराती मानव संसाधन संचालन और विहात्मक मानव संसाधन संचालन વચ્ચેનો તફાવત ઓકે ઓકે નેક્સ્ટ યે ડિફરન્સ એચઆરએમ એન સ્ટ્રેટેજિક એચઆરએમ વિચ આઈ ટોલ્ડ યુ આસ્ક ઇન 20 21 2021 મે પૂછા હે ઉસકે બાદ હમારા ક્વેશ્ચન આતા હે સ્ટેપ્સ ઇન એચઆરએમ સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટ યાની કી એચઆરએમ કી સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટ કે સ્ટેપ્સ ક્યા હે दिस इज द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर एटीन और इसका गुजराती में होता है व्यूहात्मक मानव संसाधन संचालन न पब पगलाजर्स दिस इज ऑन पेज नंबर एटीन ये है आपकी प्रोसीजर प्रक्रिया स्टेप्स स्टेजिज तबक्का राइट right? अलग अलग नाम से इसको पूछ सकते हैं दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क इन ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन से सॉरी ट्वेंटी वन में पूछा हुआ क्वेश्चन से ओके okay? तो ये हुआ आपका स्टेप्स ये भी आपको कर देना छोटा सा ही है इतना ही है यू हैव टू रिमेम्बर दिस एंड व्हाट आर द स्टेप्स सिंपल विजन एंड मिशन डिसाइड करो आपको क्या करना है मिशन ऑब्जेक्टिव्स uh, का थोड़ा सा बड़ा अगर हम बड़े लेवल पर सोचे दैट इज कॉल्ड मिशन मिशन को अगर हम दूर तक सोचें दैट इज कॉल्ड विजन टाटा कंपनी नैनो बनाएगी दैट इज अ मिशन टाटा कंपनी का विजन था कि टू uh, हर एक घर में इंडिया के हर एक घर में जो मिडिल क्लास फैमिली है नॉट द अपर मिडिल क्लास बट द मिडिल क्लास फैमिली इज हैविंग अ कार फोर व्हीलर सो दैट इज कॉल लॉन्ग विजन जो अचीव हुआ नैनो देकर तो यहाँ पर Vision और मिशन मिशन बोल सकते हैं एनालाइजिंग द एनवायरमेंट एनवायरमेंट कॉरपोरेट एनवायरमेंट और जो बाहर का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे बोलते हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपॉर्चुनिटी कितनी है थ्रेट कितना है इन शॉर्ट आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है ना तो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रैटेजी इन फॉर्मुलेशन उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाइए आप लोगों ने बनाई होगी ना एग्जाम क्लियर करने के लिए या फिर डिस्टिंक्शन uh, लाने के लिए या फिर फर्स्ट क्लास लाने के लिए बिकॉज यू आर इन द लास्ट सेमिस्टर ऑफ मास्टर्स इसके बाद आपका फ्यूचर एक्चुअली डिसाइड हो चुका होगा बट इफ स्टिल नॉट देन यू विल डिसाइड कि भाई क्या करना है सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आफ्टर हैविंग स्वॉट एनालिसिस देन इम्प्लीमेंट दैटेजी फिर उसको इम्प्लीमेंट करो और लास्ट में आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करो चलो तो ये हो गया हमारा उसके बाद इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन ट्वेंटी या ट्वेंटी वन में नहीं पूछे हैं बट फ्रॉम माय साइड एक आता है एथिक्स इन एचआरएम एक ये आपको करना चाहिए मीनिंग एक तो एथिक्स इन एच और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिकल बिहेवियर वो मिलेगा आपको पेज नंबर ट्वेंटी पर गुजराती में इसे कहते हैं या, मानव संसाधन संचालन में उसके उसका अर्थ और दूसरा आपको मिलेगा पेज नंबर ट्वेंटी एट पर नैतिक वर्तुलक ने असर करता परिवर्तन दिस वन तो ये मुझे लगता है क्वेश्चन अच्छा खासा है आज के जमाने में पूछने लायक है एथिकल बिहेवियर नैतिक वर्तुलक किस तरह से आप वो आपके फैक्टर्स बन सकते हैं जो अफेक्ट करें तो उसमें इंडिविजुअल होते हैं देन ऑर्गेनाइजेशनल होता है मतलब एक एक इंडिविजुअल मतलब पकड़ पकड़ के एक एक की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल की बात है कम्बाइनली ओके okay? तो इस तरह से आपको ये एथिकल बिहेवियर वाला यूनिट सॉरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये हो गया हमारा यूनिट वन कंसाइज करें तो यूनिट वन में आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए सबसे पहले मीनिंग Meaning of HRM, जो दूसरा, गुजराती में मानव संसाधन संचालन दूसरा आपका करना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एच आर एम दैट इज मानव संसाधन संचालन न उद्देश्यो देन यू हैव इंपॉर्टेंस बीच में मैंने फंक्शन और स्कोप बोला है यानी कार्यो वो भी आपको करना चाहिए तबक का देन यू हैव एथिक्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुसिंग एथिक ने असर करता परिबड़ो दिस इज योर यूनिट वन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट टू विच इज क्वाइट बिग बिकॉज यूनिट टू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ए एंड बी दैट्स वाई मैंने दो पार्ट में वीडियो बनाने को बोला है तो स्टार्ट विद यूनिट टू फर्स्ट पार्ट विच इज ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट पहले मैनेज करने की बात आ रही है तो यानी कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाउ टू प्रोक्योर अवर ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इन गुजराती वे आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से हम ह्यूमन uh, रिसोर्स को लेंगे प्राप्त करेंगे हाउ टू एक्वायर देम ओके सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बी कॉम सेवन वन में आ चुके हैं अभी हाल ही में बी कॉम सेवन वन की एग्जाम गई है और उसको उसके भी इम्पोर्टेंस दिए हैं तो मुझे बहुत सिमिलर लग रहा है जॉब एनालिसिस <coughs> आपका फर्स्ट क्वेश्चन जॉब एनालिसिस और मीनिंग मीनिंग इसलिए करना है बिकॉज इफ दे आर इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ना हो एमसीक्यू आए तो भी ना प्रॉब्लम हो और एमसीक्यू की जगह शॉर्ट क्वेश्चन हो तो भी ना हो जॉब एनालिसिस मीनिंग कर देना वॉट इज जॉब एनालिसिस इन गुजराती सारे विश्लेषण नो अर्थली सु पेज नंबर थर्टीन नाइन पर है कोई भी एक ऑथर की डेफिनेशन याद करें भूले बिना कि आप एम कॉम के स्टूडेंट से ये आपको याद करना ही है कि आपको कोई डेफिनेशन करनी है ये फ्लिपो जो है ये भी फ्लिपो ही इज वेरी पॉपुलर इन दिस जॉब एनालिसिस एंड जॉब जॉबन सो लर्न दैट देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज आज इन यूनिवर्सिटी अगर हम उस हिसाब से चले तो सीधा एक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एच आर प्लानिंग पर मैं सीधा वहां नहीं ले जाऊँगी आई विल गिव यू सम इम्पोर्टेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन सो हमारा सेकेंड आता है इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस ये वाला ऑल दिस कम्स इन बिकम सेम वन गुजराती में जॉब विश्लेषण नो महत्व ओके चलो उसके आगे आता है जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन फर्स्ट लर्न द मीनिंग फिर एफ बी फ्लिपो का डेफिनेशन कर लो जॉब डिस्क्रिप्शन का देन जॉब स्पेसिफिकेशन का मीनिंग अगेन एफ बी ई बी फ्लिपो देन जॉब डिजाइन का मीनिंग अगेन नो आई डोंट थिंक सो या एम शर्मा ले लो फिलिपो नहीं है यहाँ पर जॉब डिजाइन का तो ये मीनिंग आपको करने हैं उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन ठीक है कहीं पर है या दैट इज़ ऑन पेज नंबर फिफ्टी टू ये आपको करना है जो जॉब डिजाइन करते हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स असर करते हैं यानी कि असर करता परिबड़ो यस yes. कार्य रचना ने असर करता परि पेज नंबर फिफ्टी फाइव जीरो ये आपको करना है कार्य रचना ने असर करता परि डन चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इज स्टिल दिस थिंग्स अभी तक हम वहाँ नहीं पहुंचे हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछा हो ओके okay, एक डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं बना के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड एनरिचमेंट ये अलग अलग हैं एक लाइन में जो हमें आदत होती है डेफिनेशन की उस तरह से नहीं बट वी कैन प्रिपेयर द डिफरेंस ऑफ दिस थ्री बाय रीडिंग दिस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन सो एच प्लानिंग ऑन पेज नंबर फिफ्टी सेवन इज एच प्लानिंग इन गुजराती मानव संसाधन आयोजन और तो पहले मीनिंग कर लो मानव संसाधन आयोजन प्लानिंग करना है प्लानिंग इज द प्रोसेस एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट अंडर चेनिंग कंडीशन एंड डेवलपिंग एक्टिविटीज नेसेसरी टू सेटिस्फाई दिस नीड्स वी आव टू प्लान प्लान क्या प्लान करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और अपने कंडीशन में उस, उनको किस तरह से एक्वायर करे और डेवलप करे दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसके अंदर आपको क्या करना है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एच आर प्लानिंग विच वॉज यूनिवर्सिटी इज फैक्टर्स एच आर प्लानिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पूछा गया क्वेश्चन है दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग इन गुजराती मानव संसाधन आयोजन ने असरकर्ता परि बड़ो पेज नंबर फिफ्टी नाइन आई एम हैविंग कुमार प्रकाशना ये देख कर ही आपको पता चल गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ एच आर प्लानिंग ये आपको करना है ये जो दिख रहा है आपको ये आपको लर्न कर लेना है क्यों लर्न करना है बिकॉज मैंने देखा है कई बार यहाँ से आपको एम सी क्यू बनाते हैं विच इज द फर्स्ट स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप विच इज द ये स्टेप्स में क्या आता है ओके okay? सो so, ये स्टेजेस को अलग अलग तरीके से पूछते हैं स्टेजेस प्रोसेस है ना इन गुजराती मानव संसाधन आयोजन विधि तबक्का ओके सो दिस इज इम्पोर्टेंट दिस वन वज आफ इन यूनिवर्सिटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ एच आर प्लानिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी में पूछे हुए क्वेश्चन है्यूमन रिसोर्स आयोजन के फायदे और नुकसान ओके दिस इज लिमिटेशन अच्छा एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस बोथ आर सेम सो आपको दोनों ही करने हैं क्योंकि इम्पोर्टेंस करो तो एडवांटेजेस है और एडवांटेज करो तो इम्पोर्टेंस है ओके द नेक्स्ट इज साइंटिफिक रिक्रूटमेंट मीनिंग करना है एम में पूछा जाएगा बहुत ज़रूरी है बीकॉम कॉम संबंध में एम में पूछा गया है सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट साइंटिफिक रिक्रूटमेंट और व्हाट इज रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो भी आप बोलो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है बहुत ज्यादा खास स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं है आप एक करो दूसरा आपको अपने आप याद रहे वैसा ही है भर्ती नी विधि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वॉज आस्क इन ट्वेंटी वन होपफुल या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आस्क इन ट्वेंटी वन और ये जो साइंटिफिक रिक्रूटमेंट है उसका मतलब क्या होता है राइट मैन राइट जॉब राइट टाइम एंड राइट नंबर सही इंसान सही जगह पर सही वक्त पर और इन सही नंबर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा हो तो आलसी हो जाते हैं कम हो तो बर्डन की वजह से या तो छोड़ देते हैं या तो काम अच्छे से नहीं करते सो वी हैव बोथ द कंडीशन तो ये एक बहुत जरूरी है साइंटिफिक रिक्रूटमेंट में एंड अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेकेंड एज डि नो मॉडर्न प्रोसीजर होगा दिस वन पेज नंबर सेवेंटी सिक्स ये वाला करना है आपको मॉडर्न प्रोसीजर्स उसके सारे इस तरह से बनाओ तो आपके एग्जामिन जो पेपर चेक कर रहे हैं दे विल गेट को थोड़ा अच्छा लगे यार बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से लिख भी रहे हैं तो ये रहा इन गुजराती कर्मचारीની પસંદગીની પ્રક્રિયા ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપકો લર્ન karna hai ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન MCQ એઝ વેલ જેસે કે યે લખાઈ લિખિત કસોટી રીટન ટેસ્ટ તો યે આપકી હે તો મે ઇસમે MCQ આપકો બના કે પૂછ سکتی હો ને કે ફ્રોમ ધ ફોલોઇંગ અચ્છા નીચે માથી કઈ લેખિત કસોટીનો પ્રકાર નથી ઓર ફ્રોમ ધ ફોલોઇંગ વિચ ઇઝ નોટ ધ ટાઇપ ઓફ લિખિત રીટન ટેસ્ટ ઓર ઇસમે સે એક નહીં લખું तो वो भी एक एम बन गया सो so, एम आसमान में से नहीं टपकते एज आई ऑलवेज सेड वो अंदर से ही निकलते हैं आपके क्वेश्चन में से चलिए ये हो गया देन वॉट देन नेक्स्ट इज आई नो आप बोलोगे मैम कितना सारा hey is very lengthy, but है ही बेटा सिलेबस इज वेरी लेंथी बट आप नसीब वाले हैं कि आपको अगर फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है देन यू हैव टू गो फॉर ओनली टू यूनिट्स नॉट द फोर यूनिट्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया ये छोटा सा है पर अच्छा है चार मार्क्स में आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं एमसीक्यू बना सकते हैं डेफिनेशन बना सकते हैं ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है एंड द लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन ओरियंटेशन एंड सोशलाइजेशन ये नया है नया इन देंस जो रूटीन में नहीं आता कभी कभी यूं कोने खोचे से भी एक आध क्वेश्चन करने चाहिए तो ये उस तरह का है सो यूनिट टू ए इज डन ओके एंड द नेक्स्ट यूनिट टू बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूनिट टू बी में हमारा जो सबसे पहला आता हैियर प्लानिंग अच्छा गुजराती में मैंने ओरिएंटेशन और वो बताया नहीं सॉरी भर्ती यानी पसंदगी बच्चे नौ तफावत दिस इज गुड ओके okay? दे और यानी परिचय या सामाजिककरण ये यहाँ पर है दिस वन परिचय पेज नंबर एटी एट परिचय और सामाजिककरण एक ही आपको कर लेना है बस हमारे एम का भी अच्छा खासा एक दो दो वीडियो बन जाएंगे जिसमें मैं आपके एम सी यू की सोल्व कराऊंगी चलिए आगे बढ़ते हैं मानव संसाधन विकास यानी कारकिर्दी आयोजन करियर प्लानिंग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास वट एवर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दिस रिमेंबर द मीनिंग ऑफ करियर प्लानिंग ऐसे कि करियर आयोजन सॉरी आयोजन कारकिर्दी आयोजन नो मीनिंग अर्थ समझाओ देन इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी में दैट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग ओके तो मैं ये रहा एक ये मुझे लगता है आपको करना चाहिए प्री कंडीशन फॉर इफेक्टिव करियर प्लानिंग अगर आपको कारकिर्दी आयोजन करनी है तो उसकी प्री कंडीशन यानी कि आगे से आपको क्या तैयारी रखनी चाहिए एक ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो पूर्व शर्तो इन गुजराती प्री कंडीशन मतलब पूर्वक पूर्व शर्तो दिस इज द क्वेश्चन प्री कंडीशन पेज नंबर एक सौ दो पे ओके चले आगे बढ़ते हैं देन ट्रेनिंग हाँ बीकॉम सेम वन में भी और आपने भी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें सबसे पहले जो आप लोगों को करना होता है एफ बी फ्लिपो का नाम रखो याद रखो जब ट्रेनिंग आए एफ बी फ्लिपो ट्रेनिंग मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग टू वर्कर एंड सुपरवाइजर एम सी क्यू के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट है ही इसका बहुत ज़रूरी है चलो कामदार और सुपरवाइजर सुपरवाइजरों ने, सुपर्वाइजर, ने तालीमनी पद्धति ये एक आपको करना है दिस क्वेश्चन इन होपफुली नो इट्स दो हजार बीस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दो हजार बीस में ही एक ही क्वेश्चन यूनिट टू बी में से पूछा है ट्वेंटी वन का कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं है सो गो फॉर दिस नहीं है इसलिए चांसेस हैं चलिए उसके बाद हमारा आता है मैथड्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जिसमें मुझे लगता है आपको मीनिंग और उसके एडवांटेजेस या लिमिटेशन कर लेने चाहिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट मीनिंग और उसके बाद आपको उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन लेट मी सी वेर इट इज या एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड लिमिटेशन इज नॉट सो एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस इज बोथ इन गुजराती संचालकों विकास नो अर्थ कर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिस संचालकों ना विकास ना फायदा महत्व क्या पेज नंबर एक सौ बीस पे ट्वेंटी पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तालीमान विकास न तफावत आप ये डिफरेंस करते हैं तो बहुत सारे आपके इश्यू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के सॉल्व हो सकते हैं मीनिंग ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्ले वट इज डेवलपमेंट इनक्रीजिंग मेंटल एबिलिटीज एंड इंटरनल क्वालिटी मीन्स डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग इज लिमिटेड वर्जन एंड डेवलपमेंट इज अ क्वाइट वाइड स्कोप तो इस तरह से आपको पूछ सकते हैं इन एम सी क्यू डिफरेंस तो है ही बड़ा साविंग इलेवन पॉइंट दस मार्क्स में आपको ये डिफरेंस पूछ सकते हैं क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं एम सी क्यू में यूज कर सकते हैं ओके चलिए ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेट मी सीज देर इज एनी थिंग इम्पोर्टेंट इन यूनिट टू बी The last is techniques of organizational development (OD). You have a question like this इज what is OD? तो आपका जो paper चेक करने वाला जो भी वहां बैठा होगा ना वो आपके हर एक क्वेश्चन में से दो मार्क्स काटेगा का, सिर्फ ओडी में से नहीं काटेगा का. बिकॉज उसके दिमाग में एक मेंटल स्टेटस ये आ जाएगा कि इसने कभी किताब नहीं खोली है सो बी केयरफुल इन certain सिचुएशन ओके सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मीनिंग और उसके बाद आप करेंगे क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ओडी एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन गुजराती ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यवस्था तंत्रीय विकास ओडी तो उसका मीनिंग उसके लक्षणों और लास्ट में व्यवस्था तंत्र विकास पद्धतियों पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव डन आई थिंक हमारे दो यूनिट के लिए इतना काफ़ी है आप ये तैयारी करना शुरू करिए आपको अगर चार यूनिट करने हैं बच्चों तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दो यूनिट फर्स्ट सेलेक्ट करके अलग कर देने चाहिए और पहले दो यूनिट कोई बुरे ऑप्शन नहीं है इसमें तो यू जस्ट गो विद द फर्स्ट टू तो यूनिट्स और फर्स्ट टू तो यूनिट्स में पहला यूनिट चार यूनिट में अगर कोई एक यूनिट आख बंद करके भी करना है तो दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट ये बात याद रखो पहला यूनिट आप आंख बंद करके करेंगे बाकी के तीन यूनिट हम बाद में डिसाइड करते हैं कि उसमें से कौन सा करना है बट स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट और उसमें जो मैंने आई एम पी दिए हैं वो आप कर लीजिए आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस यूनिट ओके चलिए आपको कुछ पूछना हो कुछ कमेंट हो आपका कुछ और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए रेड डाउन इन द कमेंट बॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टू यूनिट्स एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर एंड वॉट टू प्रिपेयर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय स्टूडेंट्स